खेतड़ी में आज उस समय हंगामा हो गया जब नगरपालिका की टीम अतिक्रमण हटाने और सब्जी मंडी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कराने के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका ने आज बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। पुलिस जाब्ते के साथ शुरू किए गए इस अभियान के शुरुआत में ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन जब यह अभियान सब्जी मंडी तक पहुंचा तो इसने उग्र रूप ले लिया और नगरपालिका तथा सब्जी व्यापारी आमने सामने हो गए। हालातों को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान बंद करना पड़ा और पुलिस जाब्ते ने हालातों को संभाल लिया। इस मामले में सब्जी व्यापारियों का आरोप है कि नगरपालिका ने एक तो बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई शुरू कर दी, साथ ही कार्रवाई के साथ साथ टीम ने सब्जियां बिखेरना भी शुरू कर दिया। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कोकुलचंद सैनी ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्णतया गलत है, जिसके विरोध में कल खेतड़ी बंद रहेगा। वहीं कार्रवाई के बाद सब्जी मंडी तो पूर्णतया बंद हो गई, अन्य दुकानें भी बंद हो गई। इधर यो पुरुषोत्तम अवस्थी के तेवर जारी है। उन्होंने व्यापारियों पर आरोप मंडते हुए कहा कि बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ना तो अतिक्रमण हटाए गए न ही सब्जी मंडी शिफ्ट की गई है, ऐसे में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। टीम के साथ सब्जी व्यापारियों ने एकजुटता की और टीम के पीछे डंडे लेकर भी दौड़े। उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इधर मामले को लेकर समझाइश और वार्ता का दौर चल रहा है। वहीं कस्बे में तनाव के हालातों को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के लिए दिसंबर में सबसे पहले नोटिस दिया गया था, इसके बाद जनवरी में बैठक भी हुई थी, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि इस बैठक के बाद नगरपालिका ने कोई कदम नहीं उठाया और जहां पर सब्जी मंडी शिफ्ट करने की बात की जा रही थी वहां पर भी कोई व्यवस्था तक नहीं की गई है। जल्दी बढ़ाओ भाई, जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। फोड़ फोड़ नहीं, आप ही बताओ। आप अतिक्रमण हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी दुकानदार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे को नोटिस दिए थे 14 दिसंबर को, नोटिस लगाया था बंद करने के लिए, हमने नहीं करी बंद। 9 जनवरी को हमको बुलाया, हमारी मीटिंग ली, बोले हम सब्जी मंडी हटाएंगे, वो सब हमारे को जगह चाहिए, बोले आपको जगह मिलेगी, बोले बिछात में देंगे हम, वो नहीं जाएंगे। तो बोले कहाँ जाओगे, मैं थाने के आगे दे दो, पूरी सब्जी मंडी में ले जाऊँगा। तो बोले आपको हम दुकान बना के देंगे और व्यापारी नीचे जो फ्रूट ये सब्जी ये बेचते हैं इनके लिए बोले हम टेंट सेट लगा के देंगे आपको, एक हफ्ते में हम जवाब देंगे। अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं मिला है 9 जनवरी से, अचानक आके हमला किया है और यो साहब खुद आके कर्मचारी लाके लड़कर हाथ में लेके आके और सबको सब्जी फेंकी है। नगर पालिका के कर्मचारी आके और पूरी मत सब्जी फेंकी है। नगर पालिका द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है ये उचित कार्रवाई नहीं है। जो ठिकाना टाइम से खेतड़ी में जो सब्जी मंडी बनी हुई है और उसके बाद में भी नगर पालिका प्रशासक के द्वारा ही एक टेंट सेट पूरा इनको जो सब्जी के व्यापारी है उनके लिए छाया और धूप और बरसात के लिए मुहैया करवाई गई थी, आज वो इनको अचानक आके और इस प्रकार से खदेड़ा जा रहा है कि आप यहाँ से सब्जी मंडी को हटा के चूड़ा चौक में ले जाइए। मैंने ईओ साहब से भी अभी निवेदन किया था और उनसे बात भी की थी कि भई आप पहले इनका अल्टरनेट मतलब इस प्रकार की एक सब्जी मंडी बना के टेंट सेट लगा के चबूतरा बना के गायों की सुरक्षा का इंतजाम करके पानी का इंतजाम करके फिर आप इनको इस प्रकार की व्यवस्था दीजिए और बाद में आप सब्जी मंडी हटाइए तो ठिकाना टाइम की है। दूसरा व्यापारियों से सुनने में आया है कि पुलिस वाले आए दिन इनका चालान भर के ले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब इनका किस बात का चालान भरते हैं वो, ये मेरे समझ में नहीं आई। अभी एसडीएम साहब से वार्तालाप के लिए यहाँ का पुलिस मतलब इंचार्ज है हरदयाल जी और तहसीलदार जी और ईओ और कुछ सब्जी मंडी के व्यापारी भाई मेरे साथ जा रहे हैं, मैं उनसे एसडीएम साहब से बात करूंगा और हमने आज इनके छोटे व्यापारियों के लिए और खेतड़ी के
व्यापारियों के लिए कल खेतड़ी आह्वान बंद का आह्वान किया है। यदि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा और हल नहीं किया जाएगा और इन पे ऐसा ही अत्याचार चलता रहेगा तो खेतड़ी बाजार बंद रहेगा और एक दिन खेतड़ी की जनता को भी सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और हमने पहले भी व्यापार मंडल अध्यक्ष और यहाँ के सब्जी विक्रेता अध्यक्ष को बुला करके पहले भी बातचीत करके इस बारे में चर्चा की थी और इन लोगों को बता दिया था। इस बारे में मैंने अखबार में भी आम सूचना प्रकाशित करवाई है और उसके बाद पूरे शहर में मुनादी करवाई है और उसके बाद हमने विधि पूर्वक SDM साहब को लिखा है, पुलिस जाब्ता लिया है और हम हमारी विधि पूर्वक कार्रवाई कर रहे थे और ये कार्रवाई आज सुबह बस स्टैंड से शुरू हुई थी जो पूरे मार्केट में सही चल रही थी। यहाँ आकर के सब्जी मंडी विक्रेताओं ने अपने आप ही अपनी अपनी सब्जी उठा करके फेंकने लग गए और डंडे ले लेकर के हमारे कर्मचारियों के पीछे भागने लग गए, हमारी औरतों से अभद्र व्यवहार करने लग गए और इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया और राजकार्य में इन्होंने बाधा डाली और इस तरीके से, जबकि मैंने इन लोगों से ये भी कह दिया था कि भाई चलो सब्जियाँ हैं आज आप इसको बेच लें लेकिन कल आपके लिए मैंने जगह चिन्हित कर दिए चूना चौक में, वहाँ इन दुकानों को आप शिफ्ट कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने चला करके अपनी सब्जियों को उठा उठा कर फेंक दिया और हमारे पीछे डंडे लेकर के भागने लग गए। इस तरीके से इन लोगों ने चला करके ही यहाँ माहौल खराब किया और हमारे राजकार्य में बाधा डाली, जिसके लिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ।